फिर गाइस हम लोग एक और नए वीडियो के साथ आज के हैं। भाई आज के वीडियो में हम लोग करेंगे बेब्लेड, ये मेटल मास्टर्स के लॉट की अनबॉक्सिंग, जो कि काफ़ी बढ़िया लॉट है। एंड ये मेरे को भाई बहुत अच्छे प्राइजेस में मिल गया है, एंड इसको खोलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत मिंट बेस है इसके अंदर कुछ तो। एंड देखते भाई कैसा रहने वाला है और भाई क्वालिटी कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताओ। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। ठीक है, तो फिर मैं दिखा नहीं सकता कहाँ से आया है, बट ठीक है। तो फिर भाई मेरे अभी आसपास कोई सीजर या कोई अनबॉक्सिंग की चीज़ नहीं मिल रही थी, तो फिर मेरे पास ये मेटल का स्केल है, तो फिर भाई इसी को फाड़ देंगे साइड से थोड़ा बहुत। ठीक है, एक सेकंड को अभी कैची ढूंढने जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो रहा था अभी थोड़ा बहुत। एंड चलो फट तो गया ही है। चलो भाई जो पहली चीज़ निकल के आई है वो, अरे ब्लू पैकेट है, चलो कोई नहीं। तो फिर एक काम करते खोलते ही जाते गाइस, बढ़िया रहेगा। तो फिर इसके अंदर मेरे ख्याल से कौन सा बेब्लेड है, मेरे को कुछ समझ सा तो नहीं आ रहा, बट काटने दो। शिट, मैं डैमेज ना कर दूं। ओके, तो समझ गया इसके अंदर कौन सा है, देख लो कौन सा बेब्लेड है, समझ जाओ। भाई बहुत ही टाइट थे, खुल गया। एंड देखो भाई स्टॉम्प एक्सेस काफ़ी बढ़िया कंडीशन है, टिप यूज है हालांकि मानता हूँ, एंड बट ठीक है। बाकी कंडीशन तो ओवरऑल अच्छी प्राइस में मिला है, बढ़िया है भाई। तो फिर नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर ज़्यादा नहीं है इस बार के लॉट में, बट ठीक है। ये इसके अंदर कौन सा वेब्लेड है चेक करो भाई, इसके अंदर बहुत बढ़िया वेब्लेड है, बहुत सही है मेरे पास, जो कि बिल्कुल इससे भी अच्छी कंडीशन का था एक, बट वो मैं कलेक्शन में ही रखूँगा, दो हो जाएंगे मेरे पास। और एक तीसरा वाला एक और आ रहा है मेरे पास, तो फिर टेप फाड़ने में काफ़ी मेहनत का काम है, बहुत टाइट है। मैं नहीं चाहता कि बेब्लेड को कोई नुकसान हो जाए। एंड अरे यार यहाँ पे भी टेप है, हाँ भाई खुल गया। और ये रहा भाई, और सो काफ़ी ज़्यादा मिंट है, लिटरली बहुत मिंट है, ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है। एंड मैं एक और दिखाऊँ जो फिर मेरे पास ये रहा, मेरा वाले का थोड़ा स्टिकर साइड साइड से चिपट, क्योंकि फॉरेन से आया था, बट काफ़ी बढ़िया कंडीशन है, देख लो। दोनों तो वैसे बाहर के हैं, मैंने अभी प्री ऑर्डर था, बट ठीक है बढ़िया है। इसकी कंडीशन भी काफ़ी मिंट है, दोनों की मिंट है भाई, दोनों कलेक्शन में काफ़ी सुंदर लगेंगे, सेल पे नहीं होने वाले फॉर श्योर। एंड चलो भाई अगला आइटम देखते हैं, अगला आइटम कौन सा है। अरे वो वहाँ पे क्यों रख दिया मैंने, ये रहा। और भाई इस पार्ट्स भी अभी खोल खोल के दिखा दूंगा, क्योंकि तो नेक्स्ट आइटम है वो है ये। इसके अंदर मेरे ख्याल से एक बढ़िया वेबलेट है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन का, गेस करो भाई। ये देखो, ये रहा फ्लेम लिब्रा, बिल्कुल एब्सोल्युटली मिंट कंडीशन, काफ़ी ही ज़्यादा मिंट है। ठीक है, एक बार कंडीशन देखो, बहुत तगड़ी कंडीशन है। नहीं सर, इसको सभी बैटल भी करके दिखा देता हूँ मैं, तो फिर एक बार बस इसका टिप देखो, बहुत शार्प है और काफ़ी बढ़िया कंडीशन है। फिर गाइज ये तीन वेबलेट्स लिख ले इसके अंदर से अभी, जो कि मंगाए थे मैंने और काफ़ी सही प्राइस पे मिला मेरे को, अच्छी प्राइस थी। तो फिर ये वाला वेबलेट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, बाकी दोनों तो काफ़ी पड़े मेरे पास रिपीट होते रहते हैं, बट ये वाला मेरे को चाहिए था। फिर चलो भाई बैटल कर लेते हैं। और गाइस अभी कुछ कस्टम्स भी तुम्हें मिलेंगे वीडियोस में देखने के लिए, तो फिर एक काम करते हैं इसका बैटल कर लेते हैं। ये आ गया भाई स्टेडियम, एंड स्टॉम्प पेगासस का रॉक लियोन के साथ एक बैटल तो बनता ही है भाई। ये रहा मेरे पास लियोन, मेरे पास ये रहा, ये देखो। तो फिर मेरा लॉन्चर कहाँ है गाइस, एक सेकंड। चलो अभी पहले रॉक लियोन को चलाते हैं, और ये वीडियो बिल्कुल जूम में है, तो फिर थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, मतलब क्वालिटी तो अच्छी है, जो वीडियो की विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेकार हो रही होगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। ओके हो गया भाई, स्टॉर्म का रबर ओरिजिनल है, काफ़ी बढ़िया है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, एक डेली पर्पस के लिए चीता, नहीं तो मेरे पास एक
ये काफी मिंट वाला भी स्टॉक पड़ा हुआ था। एक सेकंड बताता हूं गाइस कहां गया ये रहा। अरे नहीं ये तो आ गया सर। ओके तो ये स्टॉक एक्सेस आउट हो गया है। एंड ये रहा भाई स्टॉक मेरा, ये अलग काफी मिंट है इसका टिप भी। फिर एक और ब्लैक ब्लैक पेगासस भी था, ब्लैक पेगासस बोल रहा यार। चलो कोई नहीं तो फिर स्टॉर्म पेगासस वर्सेस फ्लेम लिब्रा भी कर लेते हैं। ठीक है फिर ये रहा भाई लिब्रा। और लिब्रा का जो इंटरनल इटर्नल शार्प परफॉर्मेंस टिप है ना भाई, काफी बढ़िया है वो। भाई दोबारा करते दोबारा करते हैं। ये देखो भाई ये बाहर जाने से प्रिवेंट करता है काफी ज्यादा, और मुझे लिब्रा पर्सनली काफी बढ़िया लगता है। मेरे पास तीन तीन चार चार लिब्रा है। अब क्या करूँगा मुझे खुद को नहीं पता। ये देखो एंड एक का मैंने स्टिकर प्रिंट किया था ये वाले का। ठीक है चल ये प्रिंटेड स्टिकर भी अभी देखते हैं कुछ दिनों के अंदर मैं सेल में पोस्ट डालूंगा तो फिर ठीक है भाई। और बेब्लेड्स वगैरह थोड़े बहुत मैं अभी सेल कर लेता हूँ, और स्टॉक अभी काफ़ी सारा आ जाएगा मेरा बाकी लॉट से। याले तो भाई बहुत मिल है, और लिब्रा जीत चुका अपने इटर्नल शॉप के कारण। अब एक काम करते भाई ऑर्सो को अभी बैटल कर ही लेते हैं। तो ये रहा भाई अपना ऑर्सो, अब एक काम करते स्टॉम पे किसी के साथ करते हैं इसका बैटल, लिब्रा के साथ करते हैं, स्टॉम के साथ भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। बाहर चला गया, मैंने ऊपर लॉन्च कर दिया बिल्कुल मिंट था यार ये, मैं नहीं चाहता कोई डैमेज हो जैसे, काफ़ी मिंट है। और स्टॉम पे से स्टैमिना मरा दे तो भाई इससे गंदी हार ना हो सके किसी भी ब्लेड की, बट नहीं हराया ऑर्सो जीत चुका है। चलो स्टॉम वर्सेस ऑर्सो हो गया, अब स्टॉम वर्सेस लिब्रा, ये ऑर्सो वर्सेस लिब्रा करके बैटल वीडियो को ख़त्म करते क्योंकि अब मेरे को एक जगह जाना था। बोरिंग स्टैमिना बैटल होगी गाइस थोड़ा सा देख लो, बट एक बार बेस को देखो खाली कितने सुंदर है। और तो भाई मेरे को लिब्रास काफ़ी पसंद है। और तो भाई ये अनूबियस मेरे पास एक और खड़ा हुआ था अभी, मतलब आया था एक, उसकी भी अनबॉक्सिंग शायद आएगी या शायद ना आए मेरे को खुद को नहीं पता। एंड लिब्रा जीत चुका है इटर्नल शार्प के कारण, और ऑर्सो हार चुका है, कितना सुंदर है। तो गाइस यही थी हमारी वीडियो, उम्मीद करते हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं ऐसे ऑसम बेब्लेड कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।